सिकंदर मूवी। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हो इस न्यूज को धमाकेदार है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया था कि जो सिकंदर मूवी है ना भाई साहब, बहुत बड़ी मूवी है सलमान खान के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज आपने देखी न्यूज, एकदम से ट्रेंड हो रही है कि सिकंदर के जो मूवी के VFX है ना भाई, वो भाई बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। गुड न्यूज़ है, और इस मूवी के अंदर जो भाई साहब VFX देने वाला है वो कंपनी कौन है, इस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले हम बात कर लें इस मूवी का जो बजट है। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया सिकंदर के कि इस मूवी का जो बजट है भाई साहब कितना होने वाला है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो दोस्तों, हम पहले बात करें सिकंदर मूवी का बजट। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद करेंगे VFX कौन दे रहा है, कौन सी कंपनी VFX इस मूवी को दे रही है। तो गाइस, आप कह सकते हो सिकंदर मूवी का जो बजट है वो है 400 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 400 करोड़ का इस मूवी का बजट है। और कह सकते हैं इस बार सलमान खान भाई बैक आने वाले हैं, और बैक इज बैंग। बैंग मतलब आप कह सकते हो कि ईद वाले दिन ये जो धमाका होने वाला है वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है। तो ये रहा मूवी का जो बजट, 400 से लेके 450 करोड़ इस मूवी का जो बजट है वो जा सकता है। और दूसरी बात, एक गुड न्यूज़ ये है कि इस मूवी का जो VFX है ना वो रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम से आप क्यों बोल रहे हो, कैसे पता लगा कि इस मूवी का जो VFX है कौन दे रहा है? देखो, जो वायरल हो रही हैं फोटोज़ आपने देखी होंगी, सिकंदर मूवी का जो सेट है, जी हाँ, तो वहाँ पर जो रेड चिल्ली के कंपनी है उसके CEO बैठे हुए हैं। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि मूवी का जो VFX है वो रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट दे रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल ये बात हम कह नहीं सकते, मगर जहाँ पे अंदाज़ा हम देख रहे हैं, यानी कि अब जब से जहाँ पे हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मूवी का जो VFX है वो रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट दे रही है। तो आपको बता दूँ, रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के जो VFX होते हैं ना, इंडिया के अंदर सबसे महंगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सबसे ज़्यादा महंगा VFX देता है, एक तो है डिलाइट और दूसरा रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट। जी हाँ दोस्तों, दो कंपनी हैं इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा महंगे इनके VFX होते हैं। और VFX की हम बात कर रहे हैं तो आप रावण शाहरुख खान की भूल नहीं सकते। आज से 11 साल पहले, यानी कि पीछे जाएंगे हम, तो गाइस आप उस मूवी को आज भी लोग याद करते हैं। आपने एग्जांपल सुना होगा, जब आदि पुरुष मूवी आई थी तब लोगों को पता चला था कि VFX होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, रावण मूवी जब देखोगे ना, 2010-2011 में आई थी, तब रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट ने जो VFX दिए थे कंपनी ने उसने, तो भाई आप कह नहीं सकते कि यार इतने बेहतरीन VFX जब VFX का ट्रेंड आया था तब, और अब 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तब आप अंदाज़ा लगाओ जवान मूवी के अंदर जो VFX दिए थे रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट ने, भाई भयंकर। यानी कि उसका जो काम है ना भाई, महंगा तो है मगर भाई आप कहोगे वाह। यानी कि जब स्क्रीन पर जब बैठोगे, जो प्रेजेंटेशन होती है और जो VFX होते हैं मूवी के अंदर, भाई साहब कमाल के होते हैं, ये तो आप इसमें शक की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये रही बात रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट की। और दूसरी बात, सिकंदर मूवी का बजट 400 करोड़ से लेके 450 करोड़ तक जा सकता है, और मूवी के अंदर सलमान खान का लुक ये वाला होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा है काफ़ी फोटो वायरल हो रहे थे कि उनके फैट से कि ये वाला लुक होने वाला है, ये वाला होने वाला है, मगर जो मैं अभी फोटोस दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला जो लुक है वो सिकंदर के फैट से आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हो कि सिकंदर मूवी इस समय जो शूटिंग हो रही है वो मुंबई के अंदर हो रही है, और रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के जो CEO वहाँ पर बैठे हुए हैं, और लग रहा है कि VFX जो है रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट मूवी को दे रही है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और गाइस, यहाँ पे जो न्यूज़ ये है, सब लोग खुश तो होंगे जो सलमान के फैंस हैं, क्योंकि आपको पता है सलमान खान की जो पीछे मूवी आई है ना भाई साहब, आप देख लो यार, कोई भी अच्छी मूवी उन्होंने अभी तक दी नहीं है पिछले 3-4 साल से, कोई भी ऐसी मूवी नहीं दी है जिससे कहें हम कि सलमान खान इज बैक। क्योंकि जो भी मूवी आई है वो डायरेक्टर ऐसे मिले हैं, या तो जो
जो प्रोड्यूसर होते हैं वैसे मिलते हैं खराब से। तो यहाँ पे जो दाव खेला है साजिद नाडियावाला ने वो एकदम से बढ़िया है। जो डायरेक्टर है वो AR मुरुगदस, सलमान खान विद एकदम से न्यू स्टोरी के साथ। और जो उनका इस मूवी के अंदर काम है, यानी कि हम कह सकें कि सलमान खान का जो लुक है और जो उनका रोल है, एकदम से जो ऑडियंस को पसंद है वैसा ही लुक इस मूवी के अंदर होने वाला है। यानी कि आपने देखा वांटेड जब मूवी आई थी तो सलमान खान का ये वाला लुक सबको पसंद आया था। ऑल इंडिया जो सबसे ज़्यादा अच्छा अगर लुक लगा है, यानी कि अच्छा उनको रोल लगा है, तो वांटेड जा वांटेड मूवी से सलमान खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी कि लगातार बैक टू बैक उन्होंने 10 से 11 मूवी सुपर हिट दी थी। जी हाँ दोस्तों, 8 से 10 मूवी उन्होंने लगातार बैक टू बैक हिट दी है। और कह सकते हैं कि वांटेड का जो उनका लुक था बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, और इसी का कारण है कि इस मूवी के अंदर उनको दोबारा से दोहराना पड़ेगा ये वाला लुक। यानी कि करेक्टर थोड़ा सा मेल खा रहा है, जहाँ तक मेरी जो सोर्स की न्यूज़ है वो यही बता रहे हैं कि सिकंदर मूवी के अंदर सलमान खान का जो रोल होने वाला है वो मिलता जुलता वांटेड जैसा होने वाला है। और स्टोरी आपने कई मूवी में देखी होगी, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं और जो आम पब्लिक होती है फताती है लोगों को, तो उनसे जो लोग हैं परेशान हो चुके हैं कि भाई यार ये पॉलिटिशियन बहुत परेशान कर रहे हैं। उनको निजात दिलाने के लिए, यानी कि उनको इंसाफ दिलाने के लिए सलमान खान आते हैं। तो यही मूवी के अंदर जो है उनकी जो स्टोरी है, जो प्लॉट है इस मूवी का होने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ। प्लीज़ शेयर वीडियो, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आप शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, और मोटिवेशन नहीं मिलता है अगर आप लाइक नहीं करते वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 15 लाइक तो दो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।